चलते हैं सरप्राइज देने। अरे तो कुछ मिल यार, करना ये तो सरप्राइज है, तो सरप्राइज है। सरप्राइज तो तुम दिल्ली साल पता है, समझ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू आरके भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काका। लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, तो मतलब खाने के बाद हमने सोचा कुछ मीठा खाते हैं, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं। तो अभी मार्केट ना पूरा खाली खाली सा लग रहा है, पूरा खाली हो चुका है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं हूँ अपनी छत में, जहाँ से आपको पता लगता होगा रोज यहीं से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और पीछे का मौसम आज ऐसा हो रखा है, पूरा मतलब कोहरा कोहरा सा लग रखा है। और पीछे है हमारे रिंकुदा, जो कि मुझे हंसा रहे वीडियो बनाते टाइम। और आज भी बारिश का मतलब अलर्ट दे रखा था, तो देखते हैं बारिश आती है नहीं आती। मौसम तो ऐसा हो रखा है आज, ऐसा हो रखा है आज मौसम। अभी नीचे जाना है तो पहले नाश्ते बनाना है, तो नाश्ते बनाएंगे। ऐसा मौसम हो रखा आज, मस्त सा ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, यहाँ सब बैठ रखे हैं। और हमारी गाइस गोदड़ी ना ये रही, तो दिख रही होगी, ये है छोटी छोटी सी, ये हमारी गुदड़ी है। और काफ़ी ना बड़ी भी हो चुकी है, ये भी छोटी है, तो एक मतलब काफ़ी ख़राब भी हो चुकी है, क्योंकि मेरे को ध्यान रहता नहीं है। और एक दो तो ख़राब ही हो रखी है शायद, अभी दिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से नहीं दिख रही है, एक ही दिख रही है, ये ख़राब हो रखी है। हाँ डाली ली मिर्च, तो मैंने खाली डाल दी थी, ये रही मिर्च। ऐसा मौसम हो रखा है। और ये हमारे रिंकुदा, रिंकुदा हाय हाय इंत कर दी, हाय नमस्कार। हाँ खतरनाक वाली, हाँ हाँ अच्छा बैठ के ताजी। और कल भाभी जी भी आ गई है गुरुद्वार से, गुरुद्वार के घर भी पचा के था। और ताई जी ने कहा है मॉल मतलब गोबर निकाल दिया ताई जी ने। हाँ है गाइस, तो मैं आ रखा था संगलागोटी, तो मतलब अभी वैक्सीन लगाने आ रखा हूँ, तो आते टाइम वीडियो बनाना भूल गया था। और मेरे साथ है ऋतु, तो अभी हम आ रखे हैं मगरों में, यहाँ पे मतलब गाड़ी धोने, तो गाड़ी अभी धोने आ रखा हूँ। और ऊपर ना सड़क टूट रखी है, मतलब मैंने बोला था ना कि घास सड़क टूटेगी, तो ऊपर आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सड़क टूट गई है, और यहाँ पे जेसीबी काम कर रहा है, मतलब ये वाला तो परमानेंटली आता है, अब बरसात होती है तो आ जाता है वो नीचे। और अभी यहाँ पे जेसीबी काम कर रहा है, मतलब ऊपर का रूट बंद है। अरे गाड़ियाँ जा ही रही हैं, उनको पता नहीं है, तो अब वहाँ पर सब की सब रुकी है, उधर से भी रुकी है, इधर से भी रुकी है। तो गाइस यहाँ पर तो मेरी गाड़ी धो रही है। पलाड़ दे, पलाड़ दे, चल पलाड़ दे, अन्नी बाड़ मिलनी बाड़ा, चल पलाड़ दे भाई दोस्ती। तो गाइस यहाँ पर तो धो रही है, तो गाइज हमने वैक्सीन लगा दी है मेरे साथ है ऋतु, तो आज लेट हो गए काफ़ी, डेढ़ बज चुका है, तो मैं यहीं खा रहा खाना, घर में जाके कौन बनाएगा फिर। तो फिर मैंने सोचा कि आज यहीं खा लेते खाना, तो जल्दी से खाते हैं। और आज खाने में
आलू गोभी की सब्जी, दाल है, अचार है, सब बहुत कुछ है। ये तो नहीं खा रही, इसको बोला मैंने यहाँ पे खा ले, मैं टी नहीं खा रही। अब जल्दी से खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, तो मतलब खाने के बाद हमने सोचा कुछ मीठा खाते हैं, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं। तो अभी मार्केट ना पूरा खाली खाली सा लग रहा है, पूरा खाली हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, पूरा खाली हो चुका है। तो अब हम भी जा रहे हैं घर, मतलब सब कुछ हो चुका है काम, सब सीधा घर जाने की तैयारी है। गाइस गुड इवनिंग, सो मैं हूँ अपने घर में और अभी पी रहा हूँ यहाँ पे चाय। पीछे ताई जी ने पी दी है चाय, मैं पी रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, एंड विवेक और इनकुदा लगा रहे हैं डिश, प्रसाद जी का डिश लगा रहे हो। आज आया है डिश, नया डिश टीवी। विवेक लगा डिश। अब आ गया हूँ मैं इधर घूमने के लिए, आ गया था पानी जोश करके इधर, और यहाँ ना काफ़ी सारे पेड़ कट चुके हैं आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बन रहा है पंचायत घर बन रहा है यहाँ, तो उसके लिए सारे पेड़ काट दिए हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे था, यहाँ पे है ये लोकेशन, और यहाँ पे काट दिए हैं पूरे पेड़। और यहाँ है पांडे जी और ताऊ जी, और यहाँ पे सारे पेड़ काट दिए हैं, अब खुला हो गया ऐसे, मतलब कोई कुछ सब नहीं, तो यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ थे। और यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा है आगे, मतलब उखाल तक दिख रहा है। यहाँ पे बन रहा है नीचे पंचायत घर, उसके लिए पूरा हो चुका है, मतलब गड्ढा गुड्ढा पूरा खोद दिया है, ये सब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ से दिख रहे हैं पूरा लोकेशन ऐसे, यहाँ का भी ये पेड़ भी काट दिया है। अच्छा, मतलब सब पेड़ ख़त्म है, सारे पेड़ ख़त्म हो गए हैं। भाई साहब बारिश आ गई है दोबारा से, आपको दिख रहा होगा मेरे चश्मों में। तो अभी हम घर चल रहे हैं, तो मतलब यहाँ से पूरा साफ़ हो चुका है, तो अब मतलब लंगूरों को अभी इतना डर नहीं, मतलब लंगूरों के लिए सही हो चुका है कि अब लंगूर ज़्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पे, नहीं तो इन पेड़ों में रहते थे ज़्यादातर वो। चलते हैं जल्दी से पांडे जोर के घर पर, फिर वहाँ बैठते हैं अब। और आज ना गाइस चाचा जी का बर्थडे भी है, अभी हम हैं घर में और अभी खाना वाना नहीं बनाया है, तो अभी हम कर रहे हैं सबके सब लाइट का इंतज़ार, मतलब लाइट नहीं आई अभी तक। और तो वहाँ ताई बैठ रखी है, यहाँ ताऊ जी लोग है, उधर भी है विवेक प्रसाद उधर है, तो मतलब पूरी कहीं नहीं है कोई, किसी भी एरिया नहीं, पोखड़ा तक लाइट नहीं है। तो हम अभी घर पे ही है, तो लाइट का इंतजार कर रहे हैं सबके सब, लाइट आई नहीं रखी। आज को तो प्रोग्राम करने का विचार था, मगर क्या कर, लाइट ही नहीं है। हे गाइस, तो आज है चाचा जी का बर्थडे, तो आज हमने सरप्राइज देने का सोचा था, बट क्या करें लाइट ही नहीं आ रही, 8 बज चुके हैं रात के। तो यार मतलब कल मतलब मांती का फोन आ गया था मुझे, और दीदी का फोन भी आया था, बड़ी दीदी का, पूछा दीदी का कि पापा, मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैंने केक बना देना। तो मैंने केक बना के रखा था, बट क्या करें आज हम कुछ अलग तरीके से सरप्राइज देने वाले थे चाचा जी को, मगर क्या करें मतलब लाइट ही नहीं आई, तो हम भी क्या कर सकते इसमें लाइट में, और कहीं भी लाइट नहीं है। तो हमने कुछ आज अलग करने का सोचा था, प्रोग्राम भी करने का सोचा था कि तबला तुबला हारमोनियम मतलब सब कुछ रेडी था, बट क्या करें नहीं हो पाया। और मैंने विवेक को बता रखा था, विवेक ने पूरा सिस्टम कर रखा था, मगर क्या करे नहीं हो पाया, हाँ लाइट ने पूरा मजा खराब कर दिया हमारा। तो इसलिए यार अब फिर क्या करना, बर्थडे तो आज है, तो केक तो आज ही कटवाना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं पहले चाचा जी के घर पे केक लेके, तो ऐसी सरप्राइज देते हैं, क्या करें बिना लाइट के काटना पड़ेगा। तो गाइस मैंने केक वगैरह पैक कर दिया है, ये रहा केक, और ये है विवेक मेरे साथ। तो मतलब मैं फोन अब विवेक के पास दे रहा हूँ, देन उसके बाद अब वो हम वहां पे चलते हैं, मतलब मैं केक लेके चलता हूँ, फिर सरप्राइज देते हैं। तो क्या करें लाइट ही दे, तो ऐसी सरप्राइज देना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये हो गई हमारी शॉप क्लोज, तो गाइस चलते हैं सरप्राइज देने, ये गए सरप्राइज देने। मेरे
मेरी रिंग लाइट लगा, ये भी लाइट ला रखो साथ में लाइट मिली तगड़ी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dada ji. Happy birthday to you. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही दिया, मुझे लग रहा था यार कि नहीं कर पाएंगे सेलिब्रेट, बट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया बिना लाइट के, मतलब पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। तो यार मैं अपनी रिंग लाइट भी ले गया था, एंड वहाँ भी एक मतलब इमरजेंसी लाइट थी तो काफ़ी उजाला हो रखा था, आपने देख लिया होगा वीडियोज़ में। तो काफ़ी अच्छा ही से मतलब बर्थडे सेलिब्रेट हो ही गया। उससे पहले हमारा प्रोग्राम था ऊपर, मतलब कि तबला हारमोनियम काफ़ी कुछ हमने मतलब पूरा गाना मतलब सेटअप कर रखा था सब कुछ, बस लाइट ने दिमाग खराब कर दिया, लाइट ने पूरा वो कर दिया, मतलब खिड़करा कर दिया मजा हमारा। बट हमने लास्ट में पूरा एंजॉय करा, केक सेलिब्रेट करा, मतलब केक काट के ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने जैसे करना था, हमने केक काट के, बस थोड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, बट कोई ना वो कल करेंगे या परसों करेंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्राम करेंगे, फिर आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। आज मैंने खाना वाना वहीं खा लिया था और अब मैं घर पर आ गया हूँ सोने के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।